जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से नजरबंद पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ लगा पीएसए प्रशासन ने हटा दिया है। करीब 7 महीने बाद अब उनकी रिहाई होगी। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं को आर्टिकल 370 हटने से एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 की रात को नजरबंद कर दिया गया था। पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को हिरासत से रिहा किया जाना जम्मू कश्मीर में वास्तविक राजनीति प्रक्रिया को बहाल करने की सही दिशा में लिया गया कदम है। फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला को 17 सितंबर से पीएएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। उनकी हिरासत अवधि 3-3 महीने बढ़ाने के आदेश 3 बार जारी हुए थे। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को अलग अलग स्थानों पर हिरासत में रखा गया है। फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेताओं की रिहाई का मामला संसद में उठ चुका है। कई विपक्षी दलों ने सरकार से नजरबंद चल रहे नेताओं की रिहाई की मांग की थी। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों कह दिया था कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत हिरासत में लिए गए तमाम नेताओं को रिहा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान फारूक को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। उनके गुपकार रोड स्थित घर में छिपकर 7 महीने से वह नजरबंद है। जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन पर इस कानून के तहत कार्यवाही की गई हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.